Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have discussed the compound microscope. If we need a higher magnification then we use a compound microscope. तो compound microscope जो इसकी magnification as compared to simple microscope इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हम लोग दो convex lens जो है वो use करते हैं. It used two convex lens. One is the objective lens and it has a short focal length. और जो दूसरा वाला lens है which is toward the eye, तो उस lens को हम लोग कहते होते हैं eyepiece lens. ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब होती है उसके दोनों एंड पे ये दो लेंस जो है वो लगे हुए होते हैं. आईपीस हमारी आंख के करीब होता है जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ को हम एफ ओ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर. और जो एफ ओ है एफ ई इज़ बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, तो वो अबाउट फ्यू सेंटीमीटर जो है वो हम लोग लेते होते हैं. ठीक है, और जो एल है हमारे पास, एल अगर हम यहाँ पे इसकी मैग्नीफिकेशन देखें तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो होगा वो यहाँ पे होगा एम इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट मल्टीप्लाई 1 + d डिवाइडेड बाय एफ ई. ठीक है, एल इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप ट्यूब जो हम लोग ने लेंथ ले ली थी, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस जो उसकी टोटल लेंथ थी माइक्रोस्कोप की वो हम लोगों ने एल ली है. एफ नॉट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड 1 + d डिवाइडेड बाय एफ नॉट. 1 + d डिवाइडेड बाय एफ नॉट अगर हम देखें तो ये वाली जो मैग्नीफिकेशन है ये हम लोगों ने अपनी प्रीवियस लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस की थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ बेसिकली मैग्नीफाइड ग्लास, तो ये उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है. ठीक है, तो इसमें आई पीस जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है. जबकि एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट जो है वो किसकी मैग्नीफिकेशन है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है. ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो डी कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग नियरर पॉइंट ऑफ फ्रॉम द फाइनल इमेज टू द आई हम लोगों ने डी कांस्टेंट लिया था जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन हम लोग उसको कहते हैं. और एफ ई जो है वो फोकल लेंथ होती है आई पीस की. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी मैग्नीफिकेशन के फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि दोबारा हम उसकी जो रे डायग्राम थी उसको ड्रॉ करते हैं एंड देन डिराइव द मैग्नीफिकेशन फार्मूला. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ ए बी से, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज उसको हम लोगों ने ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया. दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट इमेज विच इज़ फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस लेंस. फाइनल इमेज हमारे पास यहाँ फॉर्म हो रहा है जो कि वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है. ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज फॉर्म बाय द आई पीस लेंस उसको हम लोगों ने यहाँ से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखेंगे. मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यहाँ पे अगर हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखें विच इज इक्वल टू साइज ऑफ द फाइनल इमेज सीन थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फाइनल इमेज किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए डबल डैश बी डबल डैश. उसके बाद है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप. विदाउट माइक्रोस्कोप के बगैर ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ए बी से, तो यहाँ इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू फाइनल इमेज कौन सा था, ये ए डबल डैश बी डबल डैश. यहाँ आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डबल प्राइम एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये लिया हुआ है ए बी, यह आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने ए प्राइम बी प्राइम से डिवाइड कर दिया, इस वाले टर्म को भी और इस टर्म को भी डिवाइड कर दें. ठीक है, तो अब इस फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, अरेंज कर लें. यह आ जाएगा ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाई ये ए प्राइम बी प्राइम मल्टीप्लाई, ये हमारे पास दो डिवीजन आ गए, तो आप इसको रिवर्स कर दें. यह आ जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी. क्लियर, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया, ये किसकी मैग्नीफिकेशन है. देखें, ये हमारे पास फाइनल इमेज की हाइट है, साइज़ है, और ये वाला जो साइज़ है दिस इज़ ये इस इमेज फर्स्ट इमेज की साइज़ है. ठीक है, तो ये किसकी मैग्नीफिकेशन है, ये मैग्नीफिकेशन है आई पीस की. फिर उसके बाद अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज एंड दिस इज़ द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये इमेज कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ये किसकी मैग्नीफिकेशन होगी, दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे इस फार्मूला ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, तो ये जो मैग्नीफिकेशन है ये किसकी मैग्नीफिकेशन है, ये आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फाइनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ रहा है इट इज़ इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई एम ई.
एम ओ मल्टीप्लाई एम ई, एम ई इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस एंड एम ओ इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, अगर लेंस की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखें तो वो इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो सिंपल एज अ लेंस एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो हम लोगों ने इस फार्मूले से लिख ली। जबकि जो आई पीस था, आई पीस जो एक लार्ज इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा है, जो फाइनल इमेज है, तो उसकी मैग्नीफिकेशन को जो हम लोगों ने सिंपल मैग्नीफायर ग्लास की तरह एक्ट करा है। ठीक है, यानी आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन होगी इट इज़ इक्वल टू द मैग्नीफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल मैग्नीफायर ग्लास। तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीफिकेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल मैग्नीफिकेशन थी वो इसकी इक्वल थी। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें। इस फार्मूला में कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये देखें ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का जो फोकस था एफ नॉट, उसके बिल्कुल करीब जो है वो फाइनल हो रहा है। यानी फाइनल जो इमेज है ए बी, दैट इज़ द नियर पॉइंट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने किधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोगों लिया हुआ है ए बी। ए बी बिल्कुल जो है वो जस्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी ए बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है और उसके बिल्कुल ये इसका फोकस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का, बिल्कुल इसके नियर पॉइंट पे लिया हुआ है। ठीक है, तो नियर पॉइंट पे लेने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ए बी वो बिल्कुल नियर पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल नियर पॉइंट पे लिया हुआ है। तो हमारे पास जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हम लोग किसके इक्वल ले लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे एफ ओ के, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन दोनों को हम लोगों ने बहुत करीब करीब फासले पे लिया हुआ है। तो जितना लेंथ से या ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस होगा, उतना ही फोकस से लेके लेंस तक जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या फिगर से भी देख लेते हैं। लेट सपोज करिए आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस है एफ नॉट, और जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ लेंस से जो डिस्टेंस है उसे हम पी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बिल्कुल नियर पॉइंट किसके लिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, एफ ओ होता है। यानी ये दोनों बहुत करीब करीब हैं, इसलिए जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने किसके इक्वल कर दिया है, एफ ओ के इक्वल कर दिया। ठीक है, एफ ओ इज़ बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद जो हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस था, ठीक है, इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जस्ट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो, क्योंकि इमेज जो है वो बिल्कुल आई पीस के करीब फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या इमेज से लेकर लेंथ से, इस लेंथ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप लिया हुआ, तो उसको हम लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप की इक्वल कर लेंगे। क्लियर, यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन अप्लाई की, हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफिकेशन इक्वल हो जाएगी, एम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू वन प्लस टी डिवाइडेड बाई एफ नॉट। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप सबको क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है, उसकी जो रे डायग्राम है और उसकी मैग्नीफिकेशन को सॉल्व करेंगे।